अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल। तो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे ये है जी मुर्ग दाल चना। अब मेरा ख्याल है कि अंदर से ये जो दाल ही निकलेगी, तो देखते हैं। जो कंपनी नेम है ये है जी मलक रमजान फूड। 10 रुपये इसकी कॉस्ट है, मुर्ग दाल चना। तो ये बनाई हुई है दाल बॉल में, और दूसरा ये आ गई जी ग्रीन चिली, रेड चिली, साथ में लेमन का मीन्स के ये स्पाइसी होने वाली है। और दूसरा कह लें कि फिर इधर आ गया जी वही मलक रमज़ान फूड्स, मुर्ग दाल चना। ये आ गया जी चिकन, और ये आ गया जी इनका बार कोड, और लिखा हुआ है जी ऑल दी इंग्रेडिएंट्स आर हलाल। अच्छी बात है, सबको कह लें कि ये ऊपर लिखना चाहिए कि ये फूड हलाल है। जो जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हलाल यूज़ हुए हैं, सबको कह लें कि बताना चाहिए। ये आगे जी इनके इंग्रेडिएंट्स आ गए। ये फिर आगे जी कुछ इनके प्रोडक्ट के हवाले से, हाइजेनिक है ये वो सब कुछ लिखा हुआ है। आ गया जी इनका लाइसेंस नंबर, और ये आगे जी इनकी मैन्युफैक्चर डेट मार्च 2024 से मार्च 2025, और ये आगे जी इनकी रिसाइकल बिन की। अच्छी बात है, बच्चों के प्रोडक्ट पे होनी चाहिए ताकि बच्चों को आदत पड़े। जो भी चीज़ खा लेके खा के जिसकी वेस्टेज होगी वो हमें डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। तो इसके अलावा ये आगे जी मैन्युफैक्चर बाय मलक रमज़ान फूड, समुंदरी रोड, अवामी स्ट्रीट, फैसलाबाद। ये आगे जिनके मोबाइल नंबर, पैकिंग कह लें काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये चेक करें, पैकिंग कुछ इस तरह की है। चलिए फिर क्या करते हैं, इसको अनपैक और अंदर से देखते हैं हमें दाल मिलती है या फिर कुछ और ही निकलता है। फिर करते हैं इसको अनपैक। 2,000 years later. स्नैक्स ही हैं, लेकिन कह लें कि जो दाल की शक्ल के बनाए हुए हैं, मुझे पहले ही डाउट था क्योंकि इतना बड़ा पैक 10 रुपये में हो नहीं सकता दाल का। तो स्नैक्स हैं दाल, मुर्ग दाल चना, तो वही उन्होंने शेप बनाई हुई है दाल की। अब इसको करते हैं टेस्ट और अंदर से देखते हैं जी ये स्पाइसी है या नहीं। लग तो काफ़ी रहा है क्योंकि आप भी देख रहे होंगे इसके ऊपर जो मसाला है वो काफ़ी लगा है। चलिए फिर इसको करते हैं टेस्ट और बताते हैं आपको क्या है। टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप जो मसाले वाली दाल चना होती हैं वो खा रहे हैं, लेकिन है ये स्नैक्स। बच्चों के लिए कह लें मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि थोड़े से स्पाइसी हैं, लेकिन बड़ों के लिए परफेक्ट स्नैक्स हैं। जो इसकी पैकिंग के लिए 10 of 10 है, टेस्ट के लिए 10 of 10 है। पैकिंग भी काफ़ी कह लें कि प्रीमियम किस्म की लग रही है तो ये बच्चों की प्रोडक्ट, लेकिन बच्चों के लिए ये मुजरे सेहत हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी है। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।